गुड्स एंड सर्विसेज की और इसी तरह फॉर्म्स को बसी मार्केट्स में ये असर आ जाती हैं और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए भी और अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए भी लेकिन इसके साथ साथ कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस और इश्यूज भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं तो आज हम उन पर बात करेंगे कि किस तरह एक मुल्क में अगर रता है तो वो इस इंटरनेशनल रिलेशन इकनॉमिक रिलेशन के ज़रिए से किस तरह दूसरे मुल्क में भी उसके असर मुरतब होते हैं सो द इम्पैक्ट ऑफ फॉरन इकनमिक कंडीशन ऑन द रियल एक्सचेंज रेट एंड नैट एक्सपोर्ट्स इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज बाई विच साइकिल्स आर ट्रांसमिटेड इंटरनेशनली ये जो फ्लक्चुएशन है ये किस तरह ट्रांसमिट होती है एक मलक से दूसरे मलक में तो मेजर जो चैनल है ये नेट एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करते हैं बिजनेस साइकिल और रियल एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं और इसके ज़रिए से ये दूसरे मुल्कों में ट्रांसमिट हो जाते हैं इसके हम एग्ज़ाम्पल मसरा अगर हम पाकिस्तान और यू एस ए की एग्ज़ैम्पल लें शुरू के कोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि यू एस ए पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है आलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यू एस ए में जाती हैं तो अगर यू एस ए में रिसेशन आता है तो वो किस तरह से पाकिस्तान की इकानमी को अफ़ेक्ट करता है सो पोस्ट देर इज अ डिक्लाइन इन द यू एस आउटपुट सो दिस डिक्लाइन वे रिड्यूस द डिमांड फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स कि जब अमेरिकन इकानमी में रिसेशन आ गया वहाँ पर लोगों की आमदनियाँ कम होगी तो ज़ाहिर है उनके उनकी एक्सपेंडिचर्स उनका कम हो जाएगा और एक्सपेंडिचर दोनों तरह का कम हो जाएगा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स का भी और जो इम्पोर्टेड गुड्स का भी तो पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स जो एक्सपोर्ट्स हैं और अमेरिका की इम्पोर्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी सो so, इस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी और एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से पाकिस्तान का जो आई एस कर्व है इट विल इट विल शिफ्ट डाउन एंड टू द लेफ्ट क्योंकि आई एस हमने देखा था कि गुड्स मार्केट का एक है और उसमें जो गुड्स मार्केट की डिमांड में ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है तो उसकी वजह से आई एस कर्फ शिफ्ट हो जाएगा सो कैंडियन मॉडल में और क्लासिकल परसेप्शन मॉडल में भी ठीक है क्योंकि वहाँ पर हम अज्यूम करते हैं डिसपरसेपशन की वजह से कि शॉर्ट टर्न एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है सो so, इसकी वजह से जब आई एस कर्व लेफ्ट वर्फ शिफ्ट होगा तो ये रिसेशन जो है पाकिस्तान में भी शिफ्ट हो जाएगा क्लासिकल मॉडल में द डिक्लाइन इन द नेट एक्सपोर्ट वॉट अफेक्ट पाकिस्तानी आउटपुट तो जो प्योर औरजनल बेसिक क्लासिकल मॉडल था उसमें हमने देखा था कि उस उसमें ये अफेक्ट नहीं होगा लेकिन जो उसका रिवाइज वर्जन था परसेप्शन जब उसमें ऐड करते हैं क्लासिकल मॉडल में और कैंजन मॉडल में तो उस मॉडल के तहत वो पाकिस्तान में भी इसके असरा मुरतब होंगे और इसी तरह के असरा मुरतब होंगे अगर कुछ और तरह की चेंजेस आती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेफरेंस में चेंज आती है कि अमेरिकन जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं और पाकिस्तानी जो वहाँ पर अमेरिका की इम्पोर्ट्स है यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और ना जो अमेरिका में जाती हैं तो उनके बारे में अगर उनकी प्रेफरेंसेस चेंज आती है तो उसका भी ज़ाहिर इम्पैक्ट इसी तरह से पाकिस्तान की इकानी पर होगा और एक और वजह ये हो सकती है कि अगर कोई मुल्क अमेरिका या कोई और पाकिस्तान के जो जो मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं वो पाकिस्तान की ट्रेड पर किसी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं तो उसका उसका भी इम्पेक्ट फिर पाकिस्तान की इकॉनोमी में आएगा थैंक यू वेरी मच